Sometimes you gotta write a new love song to get the old ones out. Hey guys, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले कोर i9 9900K के बारे में। आप में से हो सकते हो बहुत सारे लोग जानते हो कि मैंने रिसेंटली स्विच किया था इंटेल पे और मैं अपने याले सिस्टम पे कोर i9 9900K ही यूज कर रहा हूँ। फिलहाल यूज करते टाइम मुझे काफी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोग को बताया जाए क्या मैंने सही डिसीजन लिया था इंटेल के साथ जाके, या मुझे राइजन का वेट करना चाहिए था और राइजन बेस्ड सिस्टम ही बिल्ड करना चाहिए था। बट बिफोर दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय safekeys.net। अगर आप चीप में पीसी गेम्स खरीदना चाहते हैं तो आप safekeys.net को चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। जब मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो बनाया था ना कि मैं कोर i9 पे स्विच कर रहा हूँ, तब मुझे बहुत गंदी बैकलैश झेलने को मिली थी। इवन मैंने आपको उस वीडियो में ये तक बताया था कि मैं स्विच क्यों कर रहा हूँ, मेरी क्या मजबूरियां हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह डाला कि भाई Ryzen 5 3600 ले लेते वो i9 से बेटर होने वाला है, जो कि काफी नॉनसेंस वाली बातें थी। बहरहाल अब तो स्विच हो गया है, एक महीना हो गया मुझे यूज करते हुए। अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पर जो लोग कोर i9 के बारे में नहीं जानते, मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। कोर i9 9900K आज की डेट पे इंटेल का बेस्ट प्रोसेसर है कंज्यूमर्स के लिए। तो अब अगर आप एक कंज्यूमर बेस्ड सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं और इंटेल ही के साथ ही जाना चाहते हैं तो i9 एक बेहतरीन सोल्यूशन है। हालांकि वो अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर था, लेकिन फिर AMD ने जेन 3 अपनी लॉन्च कर दी और Ryzen 9 3900X ने i9 को बुरी तरीके से बीट कर दिया। i9 के केस में आपको देखने को मिलता है 8 कोर और 16 थ्रेड, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस प्रोसेसर में जो आपको बूस्ट क्लॉक देखने को मिलता है वो मिलता है 5 GHz का, जो कि इनसेन है। इंटेल ने जब कोर i9 को लॉन्च किया था ना तो इसे वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर बताया था, और आज की डेट पे भी अगर देखा जाए तो i9 Ryzen 9 से बेटर है गेमिंग में, ओनली गेमिंग में। प्रोडक्टिविटी टास्क में बहुत पीछे है। यहाँ पर मैंने जो अपने सिस्टम के लिए मदरबोर्ड लिया था वो भी लिया था Z370 Aorus Master, जो कि गीगाबाइट की तरफ से आता है। काफी फ्लैगशिप मदरबोर्ड है, भले ही कॉस्टली जरूर है, लेकिन अगर आप i9 लेने जा रहे हो तो मैं रिकमेंड यही करूंगा एक महंगा मदरबोर्ड जरूर लें, आपके i9 का परफॉर्मेंस में निचोड़ के आपको दे देगा। और वही अगर बात करें कि मैंने इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक क्यों नहीं किया, मैं बता दूं आउट ऑफ द बॉक्स ये प्रोसेसर आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ओवरक्लॉक करने के बाद केवल मुश्किल से 5% परफॉर्मेंस बढ़ता है, लेकिन जो टेम्परेचर्स है ना वो काफी बढ़ जाते हैं। और मेरे पास कूलर ना उतना अच्छा नहीं है, अपने बिल्ड में केवल मैं 240mm का कूलर यूज कर रहा हूँ, जो कि मोर देन इनफ तो नहीं है। फिलहाल अभी मेरा काम चल रहा है नॉन ओवरक्लॉकिंग वर्जन पे। और i9 के बारे में बताऊं, ये काफी टोस्टी चलता है, काफी हॉट होता है। तो अगर आपके पास पर्याप्त कूलिंग नहीं है तो आप वेट करें, मनी सेव करें, अच्छा कूलर लें, उसके बाद ओवरक्लॉक करें। अब तक तो मैं मानता हूं आपको कोर i9 के बारे में पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और ये कितना पावरफुल है। यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसे दो पार्ट में बांटना चाहता हूँ, पहला है गेमिंग साइड, दूसरा है एडिटिंग साइड। क्योंकि मैं गेमर भी हूँ एज वेल एज कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मुझे वीडियोस भी एडिट करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे। अगर बात करें केवल CPU परफॉर्मेंस के बारे में तो i9 जो आपको परफॉर्मेंस देता है ना वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। कोई भी टास्क करना हो, कितनी भी हैवी वीडियो रेंडरिंग करना हो, 4K वीडियो रेंडरिंग करना हो, ये प्रोसेसर आराम से हैंडल कर सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। आपको ओवरक्लॉकिंग की मैं मानता हूँ ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन अगर आप इसे ओवरक्लॉक नहीं भी करते हैं तो भी आपका काम आराम से चलेगा। मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूँ मैंने इस पर भी ओवरक्लॉकिंग नहीं करी है। तो यहाँ पर जो मेरा मोस्टली CPU से रिलेटेड काम होता है वो होता है वीडियो रेंडरिंग का। पहले मेरा जितना भी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम होता था वो होता था सोनी वेगास पे। हालांकि रिसेंटली मैंने स्विच किया है एडोबी प्रीमियर प्रो पे। एडोबी प्रीमियर प्रो के बारे में बताऊं, अगर आप केवल सोनी वेगास यूज करते हैं ना तो Ryzen एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि Ryzen का जो CPU परफॉर्मेंस है ना वो i9 से बहुत अच्छा है। हालांकि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एडोबी प्रीमियर प्रो, जहाँ पर मुझे काम होता है इंटेल के IGPU से, जो कि मैंने अपनी वीडियो पे भी बताया था। तो जब आप IGPU का यूज करके वीडियो रेंडरिंग करते हैं ना एडोबी प्रीमियर प्रो में, तो वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। कंपैरिजन में मैं बताऊं आपको, रेंडर टाइम होता है वो आधा हो जाता है IGPU का यूज करने के बाद, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो बेसिकली बनाया इसी तरीके से गया है। तो अब अगर आप Ryzen 9 को कंपेयर करते हैं i9 से वीडियो रेंडरिंग के मामले में एडोबी प्रीमियर प्रो पे, तो i9 Ryzen 9 से काफी फास्ट है। हालांकि अगर आप दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस केसेस में Ryzen जो है i9 से काफी आगे होगा। तब आपको यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हो गई है कि i9 जो है मुझे वीडियो एडिटिंग में काफी हेल्प करता था। व्हाट अबाउट गेमिंग? अगर बात आती है केवल गेमिंग की तो वहां पर इंटेल आज भी चैंपियन है।
हालांकि वो बात अलग है, पहले एएमडी और इंटेल के बीच 30-40 एफपीएस का डिफरेंस हुआ करता था, अब वो डिफरेंस वो घट के केवल 5-6 एफपीएस का ही बचा हुआ है। तो टेक्निकली इंटेल अभी भी एएमडी से आगे है, लेकिन जब बात आती है वैल्यू की ना, तो एएमडी इंटेल से दुगना आगे है। तो अगर बात करें मेरे यूसेज के हिसाब से क्या मैंने गलती करी इंटेल को लेके, तो मेरा आंसर है नहीं। यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के मामले में इंटेल ने मेरी काफी हेल्प करी है। और भाई जब बात आती है गेमिंग की, तो टेक्निकली इंटेल आगे है, लेकिन बेंचमार्क को थोड़ा एक्यूरेट रखने के लिए मेरे लिए i9 एक ओनली ऑप्शन था। अब भले ही इंटेल से मैं सेटिस्फाई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोग को भी इंटेल ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप लोग का काम ना वो इतना ज्यादा आगे का नहीं है। आप लोग को 3-4 FPS कम मिले ना, उतना फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जरूरी नहीं है Adobe Premiere Pro ही चला रहे हो, तो आप लोग के लिए कंडीशंस दूसरी बनती हैं। तो अगर आप आज अपने लिए हाई एंड प्रोसेसर लेने जा रहे हो, तो मैं आपको AMD ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि AMD सिमिलर प्राइस पे आता है और डबल परफॉर्मेंस ऑफर करता है। बदले में 3-4 FPS अगर गेम्स में कम मिलेंगे ना, तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और हालांकि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, केवल एक्यूरेसी के लिए ही मैंने इंटेल लिया था। वेल तो दोस्तों ये इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं सिर्फ डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।